हेलो फ्रेंड्स, बंदा किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ ड्राई फ्रूट्स का पाक, जो खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है। कल जन्माष्टमी है, आप इस पाक को जरूर ट्राई कीजिए। ये खाने में बहुत स्वादिष्ट लगेगा और बहुत जल्दी बनकर रेडी हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं ड्राई फ्रूट्स का पाक बनाना। इस पाक को बनाने के लिए मैंने लिया हुआ है बादाम, किशमिश, मखाने, गरी ली हुई है जिसको लंबी आती है मैंने काट कर रख लिया है, मखाने लिए हुए हैं जिसको मैंने काट कर रख लिया है, बादाम को भी मैंने काट कर रख लिया है। आपको जो भी ड्राई फ्रूट डालना है उसे काट कर रख लीजिए। एक कटोरी में मैंने घी लिया हुआ है, घी का यूज हमें बहुत कम करना है। इसके लिए मैंने कढ़ाई ली हुई है, इसमें हम 4 चम्मच के करीब घी डालेंगे। घी हमारा जब गर्म हो जाएगा तो हम इसमें मखाने को सबसे पहले फ्राई करेंगे। मखाने को मैंने कढ़ाई में डाल दिया है, अब इसे लगातार चलाते रहें। जब इसका कलर गोल्डन ब्राउन हो जाए और ये क्रंची हो जाए के बाद हम इसमें अन्य ड्राई फ्रूट डालेंगे। अब हम इसमें काजू, बादाम और किशमिश भी डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे भी हमें साथ में ही भूनना है। यदि आपको घी कम लगे तो थोड़ा सा घी यहाँ और मिक्स कर लीजिए। मैंने भी यहाँ 2 चम्मच के करीब घी डाला हुआ है। इसको अच्छे से इसमें मिक्स कर दें और इसे लो फ्लेम पर भुनने दें। इसके बाद हम इसमें नारियल डालेंगे जो हमने काट कर रखा हुआ है। नारियल बहुत जल्दी जलने लगता है इसलिए हम इसे लास्ट में डालेंगे। करीब 7-8 मिनट के करीब हो चुके हैं इन्हें भुनते हुए। अब हम डालेंगे इसमें कटा हुआ नारियल। नारियल को भी मैंने कढ़ाई में डाल दिया है, अब इसे अच्छे से मिक्स कर लें। करीब 5 मिनट तक हमें इसे और भूनना है। गरी को मिक्स करके इसे एक बार और अच्छे से चला लें। नारियल भी हमारा भुनने लगा है, करीब 5 मिनट के करीब हो चुके हैं इसे भुनते हुए। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। जब नारियल आपका सॉफ्ट होने लगे और थोड़ा सा ऑयल छोड़ने लगे उस समय आप इसे निकाल लें कढ़ाई से। इसको मैंने निकाल लिया एक बर्तन में। अब मैंने ली हुई है 1 कटोरी चीनी, आधी गिलास मैंने यहाँ पानी लिया हुआ है। जब भी आप चाशनी रेडी करें तो यदि आपने 1 कटोरी चीनी ली हुई है तो आधी कटोरी इसमें पानी डालें। ऐसा करने से चाशनी आपकी जल्दी बनेगी। जब हम पानी की मात्रा ज़्यादा कर देते हैं चाशनी बनाते समय तो हमें चाशनी बनाने में टाइम लग जाता है, इसलिए जितनी आप चीनी लें उसका आधा ही पानी लें। चीनी हमारी पानी में घुलने लगी है, इसे बनाने में 5-7 मिनट लगेंगे। बीच बीच में इसे चलाते रहें, गैस का फ्लेम मीडियम कर दें। जब चाशनी हमारी चिपकने लगे उस समय हम इसमें ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। चाशनी बनाते समय ही इसमें इलायची पाउडर मिक्स कर दें, इससे इसकी खुशबू बहुत अच्छी आएगी। यदि आपके पास पिसा हुआ इलायची पाउडर नहीं है तो इलायची को कूट कर डाल दें इसमें और इसे अच्छे से मिक्स कर दें। चाशनी हमारी कढ़ाई में चिपकने लगी है, इसके लिए मैंने एक कटोरी में पानी लिया हुआ है। इसमें थोड़ी सी चाशनी डालकर देखें, यदि चाशनी आपके नीचे चिपकने लगे तो आपकी चाशनी बनकर रेडी हो चुकी है। अब हम डालेंगे इसमें ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स को डालकर इसमें अच्छे से इसे मिक्स कर दें। गैस का फ्लेम लो कर दें और ड्राई फ्रूट्स के साथ भी इसे अच्छे से मिक्स करके 2 मिनट तक पका लें, उसके बाद गैस को बंद कर दें। जिस थाली या बर्तन में ड्राई फ्रूट्स का पाक जमने के लिए रखना है उसमें 1 चम्मच घी डालकर उसे अच्छे से लगा लें, जिससे पाक आपका नीचे चिपकेगा नहीं। 1 चम्मच के करीब घी मैंने इसमें लगा लिया है। अब इस पाक को बर्तन में डाल दें और इसे अच्छे से सेट कर दें। ड्राई फ्रूट्स की पाक को मैंने बर्तन में डाल दिया है, इसे किसी कटोरी की सहायता से अच्छे से सेट कर लें। मैंने कटोरी को उल्टा करके इसे दबा कर अच्छे से सेट कर दिया बर्तन में। इसके ऊपर मैंने पिस्ते डाल दिए। चाकू की सहायता से इसमें कट लगा दें, जिस तरह बर्फी बनाने के लिए हम चाकू की सहायता से उसमें कट लगा देते हैं पीस निकालने के लिए। जब ये ठंडा हो जाए तो हम पीस निकाल के देखेंगे। देखिए पाक हमारा ठंडा हो चुका है और इसका पीस कितना बढ़िया निकला है। तब आप भी बनाइए और ट्राई कीजिए और अपने अनुभव बंदा किचन पर शेयर कीजिए। नमस्कार।